मोदी के गढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार श्वेता का खूबसूरत प्रचार। गुजरात के मणिनगर सीट को अपने खूबसूरत दांव से जीतेगी कांग्रेस। गुजरात के मणिनगर विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ये वो सीट है जहां से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ा करते थे। पीएम मोदी का चुनाव क्षेत्र होने की वजह से ये सीट हमेशा से चर्चा के केंद्र में रही है, लेकिन मोदी की गैर मौजूदगी के बावजूद इस बार के विधानसभा चुनाव में ये सीट एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल बीजेपी के इस किलों को भेदने के लिए कांग्रेस ने इस बार बेहद ही खूबसूरत दाव खेला है। पार्टी ने इस सीट से मैनेजमेंट कंसल्टेंट श्वेता ब्रह्मभट्ट को चुनावी मैदान में उतारा है। अपनी खूबसूरती की वजह से पहले ही लोगों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी श्वेता अब अपने अनोखे चुनाव प्रचार से लोगों का दिल जीतने में जुटी है। लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर से पढ़ाई करने वाली श्वेता जहां दिन में डोर टू डोर कैंपेन करती है, तो शाम को मणिनगर में बाइक कैंपेन करती है। श्वेता बाकायदा बाइक पर चढ़कर अपने समर्थकों के साथ लोगों से वोट मांगती नजर आती है। बकौल श्वेता वो बाइक कैंपेन के जरिए इलाके के लोगों खासकर युवाओं से ज्यादा जुड़ना चाहती है। श्वेता के मुताबिक गुजरात में जहां 65% तो मणिनगर सीट पर करीब 75% लोग युवा और महिलाएं हैं। इसी वजह से उन्होंने लोगों से कनेक्ट होने के लिए ये तरीका अपनाया है। कांग्रेस नेता की बेटी श्वेता की माने तो पीएम मोदी की सीट होने के बावजूद उन पर कोई दबाव नहीं है। इतना ही नहीं, वे गुजरात में विकास के बीजेपी के दावों से भी इत्तेफाक नहीं रखती है। उन्होंने कहा कि इलाके में घूमने पर पता चलता है कि ये इलाका किस तरह से विकास से अछूता रहा है। जाहिर है श्वेता के चुनाव प्रचार का ये अंदाज इलाके के लोगों को अपनी ओर आकर्षित तो कर ही रहा है, लेकिन ये वोट में कहां तक तब्दील होता है ये तो 18 दिसंबर को ही पता चलेगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।